वैसे तो भारत देश में ओर से छोर तक कहीं भी चमत्कारों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई दैव्य शक्ति, तो कोई भक्ति का एक ऐसा उदाहरण जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलता है। सिर्फ किताबों में नहीं, ऐसे चमत्कार हर रोज साक्षात देखने को भी मिलते हैं। जी हाँ, आज यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य मंदिर की जिसकी खास चमत्कारी शक्तियों के बारे में और किस्से कहानियों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सतना के समीप ही स्थित सुप्रसिद्ध दैव्य स्थान मेहर की, जो कि एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को लेकर अनेक मान्यताएं हैं कि विंध्याचल पर्वत की चोटी पर स्थित इस मंदिर की महिमा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां भगवती के अनोखे स्वरूप के दर्शन करने आती हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मां भगवती की पूजा के लिए आज भी सबसे पहले आलाही आते हैं। सुबह के 4 बजे जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो एक फूल जल के साथ माता के चरणों में अर्पित मिलता है। इस स्थान पर आला का ये किस्सा माता की महिमा की कहानी मेहर में प्रवेश करते ही सुनने को मिलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसा कई कालों से होता आ रहा है, किंतु आज तक कोई भी आला को देख नहीं पाया है। मेहर में मां शारदा की एक बड़ी ही अद्भुत और चमत्कारी प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा आल्हा उदल को जंगल में 10 वर्षों से अधिक तप करने के उपरांत मिली थी। इस प्रतिमा के साथ ही देवी मां ने आल्हा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अमरता और अपनी चीरकाल तक भक्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद मंदिर की स्थापना की गई। पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से यहाँ पूरा जंगल क्षेत्र है, किंतु समय के साथ आए परिवर्तन से अब नजारा कुछ और ही है। मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आला उदल का अखाड़ा भी नजर आता है, साथ ही एक तालाब भी है। इसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ दोनों भाई स्नान किया करते थे। इसके उपरांत ही माता के दर्शनों के लिए रोज वह जाते थे। हालांकि यहाँ भी आसपास जंगली क्षेत्र होने और आवागमन के साधनों की कमी की वजह से लोगों का आना कम होता है। मंदिर को लेकर ऐसा जिक्र मिलता है कि स्वयं को भसी भूत करने के उपरांत जब माता सती को तीनों लोकों से लेकर भगवान शिव घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनकी अचेतन हो चुकी देह को अपने चक्र से खंड खंड किया था। जिन स्थानों पर यह हिस्से जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित है। मेहर के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ माता सती का हार आकर गिरा था, इस वजह से स्थान का नाम मेहर यानी कि माता का हार पड़ा। इस तथ्य का उल्लेख विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। वहीं दोस्तों, अब तक आला के दर्शन कोई नहीं कर सका है। पहाड़ पर स्थित होने के बाद भी पुजारी भी मंदिर में रात्रि काल में नहीं ठहरते। कहा जाता है कि सुबह 4 बजे से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ ठहरना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आल्हा माता की पूजा के लिए आते हैं और जो भी उन्हें देखने का निर्थक प्रयास करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, मंदिर के पुजारियों का यहाँ तक कहना है कि कई बार यहाँ का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी अभी कोई यहाँ से गया हो। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी और अगर आपको भी माता के दर्शन करने का अवसर मिले तो स्वयं इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय माता मेहर की।